नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी के करेंट अफेयर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज किस किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सारा का शीर्षक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 34 केन्स ओपन चेस टूर्नामेंट सेंट्रल एक्साइज डे। तो ये जो सब है सबका शीर्षक दिया हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 से रिलेटेड है। हाल ही में इसका समापन नई दिल्ली में हुआ और इसका आयोजन हो रहा था 18 से 23 फरवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो इसका समापन हो गया है और इसमें क्वेश्चन हमने आपके लिए ये बनाया है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत इसमें तीसरे पायदान पर अवस्थित रहा मेडल टैली में। इसमें भारत को कुल 5 गोल्ड के अलावा 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज टोटल मिलाकर के 20 मेडल भारतीय टीम को प्राप्त हुआ। और इसके बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर ईरान रहा और पहले स्थान पर जापान रहा। जापान ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते, 4 रजत और 4 कांस्य, 8 गोल्ड 4 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। टोटल उसके पदकों की संख्या 16 थी, लेकिन उसके 8 स्वर्ण पदक थे, इसलिए पदक तालिका में उसने पहला स्थान प्राप्त किया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में 34 कांस ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन फ्रांस में किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला डी मुकेश ने जीता। डी मुकेश इसका फाइनल मुकाबला जीता। डी मुकेश की उम्र अभी है 13 साल और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। फाइनल में इन्होंने हरुत्तम वार्ग सेगयान को पराजित किया, जो फ्रांस के ही थे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे से संबंधित। क्वेश्चन आपका है सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और ये 1944 ईस्वी से प्रत्येक साल भारत में मनाया जाता है। और इसके मनाने के पीछे की जो कहानी है, 24 फरवरी साल 1944 ईस्वी को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था। तो उसी की याद से प्रत्येक साल 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद विभाग की स्थापना 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग भारत में स्थापित अंग्रेजों की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WBR गोल्डन ईरा ऑफ बॉलीवुड प्राइज। ये प्राइज दरअसल लंदन में दिया गया और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स गोल्डन ईरा ऑफ बॉलीवुड प्राइज इस प्राइज का पूरा नाम है। तो यह एक भारतीय अभिनेता को मिला है। उस भारतीय अभिनेता का क्या नाम है? तो उस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता का नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार देशभक्ति से सराबोर फिल्मों के बनाने के क्षेत्र में इनका नाम काफ़ी अदब से लिया जाता है। आप लोगों ने उपकार फिल्म देखा होगा, उपकार फिल्म में मनोज कुमार मुख्य भूमिका में थे। इसके साथ ही मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित किया जा चुका है और 2015 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में ट्रेडिशनल जीके की क्लास में आपको सूरज सर बताए होंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई, पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा भी हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता चुके थे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया था। तो उसमें हम इसके बारे में विस्तार से आगे भी बता चुके हैं।
तो उन सब चीजों को आप ध्यान से देखिए, और इससे एक चीज आपको पता चलता है कि आपके लिए करेंट अफेयर्स बुलेटिन का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही ट्रेडिशनल जीके का वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जितने भी प्राइजेज हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंपॉर्टेंट बुक, तीनों पर आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा चुका है। तो ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप सर्च कीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप उसको जरूर देखिए। अब मनोज कुमार के साथ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड गोल्डन इरा बॉलीवुड से एक और भारतीय अभिनेता को पुरस्कृत किया गया था, जिनका नाम था दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को भी यह प्राइज मिल चुका है, अब हाल ही में मनोज कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट शीर्षक हमारा डिजाइन से रिलेटेड है। हाल ही में अभी हम कुछ दिन पहले आपको पढ़ा रहे थे कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से रिजाइन दिया है, अब एक और देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से रिजाइन दिया है और उनका नाम है महातीर मोहम्मद। महातीर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यह किस देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपका क्वेश्चन यही है, तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री है। हाल ही में भारत विरोधी बयान के चलते यह चर्चा में थे, 370 35 ए और CAA पर इन्होंने CAA के विरोध में इन्होंने बयान दिया था, जिसकी खूब आलोचना की गई, और उसके बाद भारतीय उच्चायुक्त ने मलेशिया के उच्चायुक्त को से इससे जवाब भी मांगा था, और उसको यह चेतावनी दी गई थी कि ऐसे में मलेशिया और भारत के बीच का जो रिश्ता है उसमें खटासा आ सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो इसी को लेकर कुछ विवादों में थे, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब महातीर मोहम्मद जो है, इनके पार्टी का नाम है यूनाइटेड इंडिजेनियस पार्टी ऑफ मलेशिया, और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे देखिए इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम महातीर मोहम्मद है। दूसरी तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि महातीर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो किस पार्टी से थे। तीसरे तरीके से आ सकता है आपसे क्वेश्चन कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अब आपको मलेशिया की राजधानी बताना है, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और मलेशिया की करेंसी रिंगित है, मलेशियाई रिंगित। तो ये था इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्वकर्मा प्राइज। हाल ही में विश्वकर्मा प्राइज का तीसरा एडिशन प्रदान किया गया, किसके द्वारा प्रदान किया गया, क्वेश्चन हम यही बनाए हैं, तो ये प्रदान किया गया है श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यह प्रदान किया गया, और ये प्राइज जो है, यह तीसरा एडिशन इसका था, और ये प्राइज शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह इस बार 29 स्टूडेंट के टीम को प्रदान किया गया है, और इसका आयोजन, विश्वकर्मा प्राइज का जो आयोजन है वो किया गया AICTE। अब AICTE क्या है, तो AICTE है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी यह स्थापना हुई थी 1945 में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल सहस्त्र बुद्धे, और इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि AICTE के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई दफा पूछा जा चुका है कि NCERT के अध्यक्ष कौन है, या फिर NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो NCERT शिक्षा से संबंधित है, CBSE भी उसी तरीके से है, उसके बाद AICTE जो है यह भी शिक्षा से ही संबंधित है, इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत अमेरिका रक्षा सौदा पर सहमति। अभी भारत के जो प्रेसिडेंट थे वो भारत यात्रा पर आए हुए थे, 24 से लेकर 25 फरवरी तक उनका भारत दौरा था, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ भारत यात्रा पर आए थे, मिलांका ट्रंप और इवानो ट्रंप उनकी पुत्री का नाम था, तो ये भारत यात्रा पर आए हुए थे। तो भारत यात्रा पर भारत और अमेरिका रक्षा सौदा पर सहमति बनी है, तो ये कितने अरब की सहमति बनी है, क्वेश्चन हमारा यही है, तो ये $3 अरब की सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में।
जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए तो वो गुजरात के अलावा गुजरात में जो एक आश्रम है जो महात्मा गांधी के जीवन से रिलेटेड है वहां गए। उसके बाद आगरा में इन्होंने ताजमहल का दर्शन किया, फिर दिल्ली में ये राष्ट्रपति भवन गए। तो इन सब जगहों पर इनका जाना हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज द सेक्रेटरियल ऑफ सार्क लोकेटेड, सार्क का सचिवालय कहाँ अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, यह 2013 में BA सोशल साइंस में पूछा गया करंट अफेयर और ट्रेडिशनल GK का पोर्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, अगर आप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको इस वीडियो के बारे में जरूर ही सूरज सर ने बताया, सूरज सर बताए होंगे। तो ये जो सार्क है, सूरज सर इसकी स्थापना के बारे में बताए होंगे, कितने सदस्य देश है इसके बारे में बताए होंगे, कब इसकी स्थापना की गई इसके बारे में बताए होंगे, साथ ही इसके मुख्यालय के बारे में, सचिवालय के बारे में, सार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्होंने सभी के बारे में आपको बताए होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप जाइए सर्च कीजिए, वीडियो को जरूर देखिए। फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं कि सार्क का जो सचिवालय है वह काठमांडू में स्थापित किया गया। काठमांडू में इसके भवन का शिलान्यास राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के द्वारा किया गया और यह 16 जनवरी 1987 को इसका उद्घाटन हुआ। और सार्क की स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में, 1985 में, और डेट था 8 दिसंबर 1985। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेन डिड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक बार पूछा गया है 2011 में और दूसरी दफा पूछा गया है 2013 में। तो यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा कब की गई थी, क्वेश्चन यही है। तो इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, साल 2011 और साल 2013। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। और इसके अलावा जब हम आपको मानवाधिकार से संबंधित चीजों को पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में भी आपको पढ़ाया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। इनके पहले अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम फायर, फ्रीडम फ्रॉम फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाल ही में आपको ट्रेडिशनल GK का तीसरा सीरीज गया था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड इट्स राइटर उसका शीर्षक था। तो उसमें हम इस पुस्तक के बारे में भी आपको बताए थे, फ्रीडम फ्रॉम फायर पुस्तक के लेखक है आंग सांग सू की। म्यांमार की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, राजनीतिज्ञ भी है और इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से भी इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब आज हम आपसे विदा लें, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है जिम ब्रेंडेस्टाइन, दूसरे क्वेश्चन का जवाब इंग्लैंड और तीसरे क्वेश्चन का जवाब ऑस्ट्रेलिया है। अनिमा कुमारी ने 3 के 3 प्रश्नों का की सही जवाब दी है और आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे है अनिमा कुमारी। अनिमा कुमारी को ढेर सारी बधाइयाँ। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें और हमारे डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन से जुड़ी रहे। आज फिर आपको हम 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। दूसरा क्वेश्चन है, उपकार फिल्म में मुख्य किरदार किस हीरो ने निभाया था। और तीसरा क्वेश्चन है, मलेशिया की राजधानी कहाँ है। इन 3 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
दोस्तों आपको अगर हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको उसका जवाब आप जरूर देखिए दीजिए। थोड़ा सा और हम आपका समय लेंगे, जैसा कि कल बीएचयू वर्ल्ड की टीम ऑनलाइन थी और लाइव थी, आप लोग प्रश्न भी कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि उसमें करेंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे। दो क्वेश्चन कॉमन था जिसमें पहला क्वेश्चन था कि करंट अफेयर किस किस क्लास के बच्चे देखे और दूसरा क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कहां से लेकर कहां तक पढ़े। तो करंट अफेयर ऐसे तो जरूरी सबके लिए, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस, इसके अलावा सीएचएस क्लास 9th, क्लास 6 और क्लास 11th के जो आर्ट्स पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और पीटी में जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जैसे मास कम्युनिकेशन का हो गया, सोशल वर्क का हो गया, तो इन सब का क्या है कि अब कॉमन एग्जाम होता है, तो जो कॉमन एग्जाम होगा पीटी में उस कोर्स में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बीए एलएलबी और एलएलबी में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा बीएड आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट है, बीएड आर्ट्स में भी आपसे करंट अफेयर। थोड़ा सा और हम आपका समय लेंगे, जैसा कि कल बीएचयू वर्ल्ड की टीम ऑनलाइन थी और लाइव थी, आप लोग प्रश्न भी कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे। दो क्वेश्चन कॉमन था जिसमें पहला क्वेश्चन था कि करंट अफेयर किस किस क्लास के बच्चे देखे और दूसरा क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कहां से लेकर कहां तक पढ़े। तो करंट अफेयर ऐसे तो जरूरी सबके लिए, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस, इसके अलावा सीएचएस क्लास 9th, क्लास 6 और क्लास 11th के जो आर्ट्स पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और पीटी में जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जैसे मास कम्युनिकेशन का हो गया, सोशल वर्क का हो गया, तो इन सब का क्या है कि अब कॉमन एग्जाम होता है, तो जो कॉमन एग्जाम होगा पीटी में उस कोर्स में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बीए एलएलबी और एलएलबी में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा बीएड आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट है, बीएड आर्ट्स में भी आपसे करंट अफेयर। थोड़ा सा और हम आपका समय लेंगे, जैसा कि कल बीएचयू वर्ल्ड की टीम ऑनलाइन थी और लाइव थी, आप लोग प्रश्न भी कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे। दो क्वेश्चन कॉमन था जिसमें पहला क्वेश्चन था कि करंट अफेयर किस किस क्लास के बच्चे देखे और दूसरा क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़े। तो करंट अफेयर ऐसे तो जरूरी सबके लिए, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस, इसके अलावा सीएचएस क्लास 9th, क्लास 6 और क्लास 11th के जो आर्ट्स पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और पीटी में जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जैसे मास कम्युनिकेशन का हो गया, सोशल वर्क का हो गया, तो इन सब का क्या है कि अब कॉमन एग्जाम होता है, तो जो कॉमन एग्जाम होगा पीटी में उस कोर्स में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बीए एलएलबी और एलएलबी में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीएड के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में और जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जिसमें आर्ट्स रिलेटेड है, तो इसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट का वीडियो होता है, आप इस बुलेटिन को प्रत्येक दिन जरूर देखें। धन्यवाद।